आपको हम जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो चुकी है। इसका जवाब ओबीसी एससी एसटी लीडर वामन मेश्राम जी बहुत पहले दे चुके हैं। जो आपको आमना सामना मीडिया आगे दिखाएगा उससे पहले चंद बात। इसमें ये भगवा नाग हिंदू भाइयों से कह रहा है, आज से मैं एक रुपये की चीज भी खरीदूंगा तो हिंदू के पास से खरीदूंगा, इन देशद्रोहियों से नहीं खरीदूंगा। अगर मेरे 100 करोड़ हिंदू मेरी बात पर अमल कर दे तो बाकी ये 25 करोड़ अगर हिंदू धर्म कन्वर्ट ना कर ले तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाइयों। पहले तो हम इस सपोले को बता दें कि भारत के हिंदू भाइयों की अक्सरियत ऐसी गलीज सोच नहीं रखती। और दूसरी बात ये कि जिन 100 करोड़ की बात कर रहा है ये भगवा नाग, उनमें से 80% मुल्क की आबादी अपने आप को हिंदू नहीं मानती, क्योंकि भारत में बहुत से धर्म जात और समाज के लोग रहते हैं जो हिंदू नहीं है। इसके जवाब में हम ओबीसी एससी एसटी के लीडर वामन मेश्राम जी को पेश करते हैं, जिनका जवाब सुनकर इस देश द्रोही का दिमाग ठिकाने लग जाएगा। आप इस जवाब को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। अपने मन में एक बात बिठा लो कि आज से मैं 1 रुपए की भी चीज खरीदूंगा तो हिंदू के पास से खरीदूंगा। मैं 1 रुपए की कोई भी चीज वस्तु या खरीदूंगा वो हिंदू के पास से खरीदूंगा, इन देशद्रोहियों से नहीं खरीदूंगा। अगर मेरे 100 करोड़ हिंदू, मेरे भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू अगर मेरी बात पर अगर इंप्लीमेंट कर दे तो बाकी के 25 करोड़ अगर हिंदू धर्म कन्वर्ट ना कर ले तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाइयों, क्योंकि ये हमारे से जीते हैं, हम उनसे नहीं जीते मेरे भाइयों। और जो ये नारे है ना, जो देश में रहकर, जो भारत देश में रहकर जो नारे देते हैं ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, इन हरामियों की अगर गला दबाना है तो इनको हार्दिक स्थिति मारो, इनसे 1 रुपए की चीज ना खरीदो। मेरे भाइयों अगर ये यादगीर से प्रारंभ हो जाए और व्हाट्सएप फेसबुक पे बस एक ही एक मैटर होना चाहिए कि हमें धर्म द्रोहियों से कोई चीज नहीं खरीदना है, हमें देश द्रोहियों से कोई चीज नहीं खरीदना है। अगर आप ये वायरल करेंगे मुझे विश्वास है आने वाले समय में ये लोग आपके पास आएंगे कि भैया हमें हिंदू धर्म कबूल करना है, बोलिए किस मंदिर में आए। क्या आप चाहोगे अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो? क्या आपको, आप चाहेंगे कि मेरे भारत देश को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है? चाहोगे? बस चाहोगे तो आज से शुरू कर दो इनका बहिष्कार। जो भी देश के खिलाफ नारे देगा उसका बहिष्कार, जो भी धर्म के खिलाफ नारे देगा उसका बहिष्कार। आने वाले समय में आप खुद रिजल्ट देखेंगे और मुझे फोन करके बता देना। जय श्री राम। हेलो पप्पर सर, सीए घर के ये तकर किसी इसे हिंदू मुसलमान का फसाद लगवाया जा सकता है, लगवाने से अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्य बनाए जा सकते हैं, बहुसंख्य बनाकर राज्य सत्ता पर काबिज किया जा सकता है, और राज्य सत्ता पर काबिज होने के बाद ही वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं को गुलामी, ये सब स्थापित किया जा सकता है। ये सब स्थापित करने के लिए राज्य सत्ता चाहिए, ये सब स्थापित करने के लिए पावर चाहिए, ये पावर होगा तो ही ब्राह्मण धर्म स्थापित किया जा सकता है। मुस्लिम लोगों का एक मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा ये है कि वो ये कहते हैं कि आरएसएस के लोग हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण लोग एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहते हैं, अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो क्या एससी एसटी ओबीसी का राज लाना चाहते हैं? पाटिल साहब समझ में आ रहा है? मैं मुस्लिम लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा दूर करना चाहता हूं कि यदि ब्राह्मण लोग हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं, वो एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहते हैं, तो क्या एससी एसटी ओबीसी का राज लाना चाहते हैं? राज तो नहीं लाना चाहते। फिर आज के तारीख में भारत पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया,
विधायिका पर कब्जा, कार्यपालिका पर कब्जा, न्यायपालिका पर कब्जा, मीडिया पर कब्जा, तो ब्राह्मण राष्ट्र बन चुका है, ब्राह्मण राष्ट्र बन चुका है। बहुजन लोग जागृत ना हो इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इसको समझो, बहुत मौलिक बात आपको समझा रहा हूं। ब्राह्मणों का राष्ट्र स्थापित हो गया, पूरा बहुजन समाज गुलाम बन गया, 100% माइनॉरिटी के लोग, खासतौर पर मुस्लिम लोग अगर सारे इकट्ठा हो गए, तो प्रतिक्रिया में हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे, ब्राह्मण उनके नेता हो जाएंगे। इससे ब्राह्मणों की ताकत, ब्राह्मणों की शक्ति, ब्राह्मणों की राजसत्ता मजबूत हो जाएगी। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ब्राह्मणों के राजसत्ता को सुरंग कौन लगा सकता है? यदि SC ST OBC उनमें मराठा, अगर ये सारे देश भर में ये समूह अगर इकट्ठा होते हैं तो ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणी वर्चस्व भरभरा कर गिर जाएगा। मुसलमानों के 100% इकट्ठा होने से वो लोग मजबूत हो जाएंगे। SC ST OBC उनमें मराठा इकट्ठा होने से ब्राह्मणवाद भरभरा के गिर जाएगा। ये इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इसलिए हिंदू मुसलमान के फसाद लगाए जाते हैं, जाति और जाति के बीच में झगड़े लगाए जाते हैं, और उन झगड़े के बाद उन लोगों को ब्राह्मणों के नेतृत्व में हिंदू के नाम पर इकट्ठा किया जाता है और उनका उनको गुलाम बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू का क्या मतलब है? हिंदू का मतलब है ब्राह्मणों का गुलाम। हिंदू का क्या मतलब है? हिंदू का मतलब है ब्राह्मणों का गुलाम। आपको एग्जांपल देके इस बात को समझाता हूं। अगर ब्राह्मण कहते हैं SC ST OBC के लोग हिंदू है, मंडल कमीशन आया ओबीसी के लिए था तो ओबीसी हिंदू है, ब्राह्मण कहते हैं ओबीसी हिंदू है, तो ब्राह्मणों को ओबीसी की लड़ाई लड़नी चाहिए थी और ओबीसी को 52% लोगों को आरक्षण दिलवा कर देना चाहिए था, मगर ब्राह्मण ओबीसी के समर्थन में लड़ने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में 90 ब्राह्मण सुप्रीम कोर्ट में गए, मुफ्त में लड़े, केस लड़े के ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अगर ओबीसी हिंदू है, ब्राह्मण भी हिंदू है, तो ब्राह्मण को ओबीसी को हक देना चाहिए और उसको आरक्षण मिलना चाहिए, इसकी लड़ाई लड़ना चाहिए था, मगर ब्राह्मणों ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी कि इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वो प्रचार करते हैं, क्या प्रचार करते हैं कि इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इनको नौकरी नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके पास मेरिट नहीं है। मेरिट नहीं है इसका मतलब है ये लायक नहीं है, इसका मतलब लायक नहीं है, लायक नहीं का मतलब है नालायक है, तो गाली देते हैं नालायक है। लायक नहीं इसका मतलब लायक नहीं, नालायक है। तो 52% लोगों को वो कहते हैं नालायक है, इनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, मगर वही 52% लोग ब्राह्मणों को फसाद करने के लिए हिंदू के नाम पर चाहिए ताकि मुसलमान को मार सके, काट सके, फसाद में उसका इस्तेमाल कर सके। उसके लिए उसको हिंदू के तौर पर उसको ओबीसी चाहिए, एससी चाहिए, एसटी चाहिए, हिंदू के तौर पर चाहिए, मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करने के लिए चाहिए, मुसलमान को मारने के लिए ओबीसी SC ST बहुत लायक है, नौकरी के लिए लायक नहीं, आरक्षण के लिए लायक नहीं, मारने के लिए लायक है। ये एग्जांपल इस बात का सबूत है कि ब्राह्मण इन सारे लोगों को गुलाम मानता है।